कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम नहीं है, वोट कटुआ नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, पहचान की पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति, इस्लाम को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी वही करती है हिंदुत्व के नाम पे, सबको अपना अपना अधिकार है। MIM की तो फिर भी पकड़ है, चाहे नामामूली है, थोड़ी बहुत है, पहले भी वो एक आध सीटें जीत चुके हैं, इसलिए वहाँ तो थोड़ी बहुत नामामूली MIM की पकड़ ज़रूर है। इससे वो आगे ही बढ़ सकते हैं या फिर उतना ही रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि सारा का सारा खेल वहाँ से निकल के आता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि MIM जो है वो BJP की बी टीम है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो मैंने कई सालों का मेरा अपना अनुभव है राजनीतिक गलियारों को समझने का, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की राजनीति करती है और MIM इस्लामिक राजनीति करती है, आइडेंटिटी की, क्या गलत है? अब क्योंकि उस वजह से हिंदू वोट डिवाइड हो जाता है, कहीं जगह मुस्लिम वोट एक तरफा हो जाता है, जिस बदौलत मान लीजिए कांग्रेस हुई या अन्य जो पार्टियां हैं नॉन BJP उनको वोट नहीं मिलता, तो लोग जो हैं वो असदुद्दीन को मान लेते हैं बी टीम भारतीय जनता पार्टी की। हकीकत मानिए कि जब कभी भी भाई साहब पार्लियामेंट में रहे हैं, सिवाय इस दौर के, वो हमेशा कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम नहीं है, वोट कटुआ नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, पहचान की पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति, इस्लाम को लेकर के। तो भारतीय जनता पार्टी वही करती है हिंदुत्व के नाम पे, सबको अपना अपना अधिकार है। यूपी की सियासत की बात करें तो चुनाव अब 1.5 साल में आने वाले हैं, लेकिन कल एक ऐसे बयान के बाद बवाल मच गया है जिस पर कहीं ना कहीं सवाल नीयत और सत्ता पर खड़े होने लगे हैं। मैं बात कर रही हूँ मायावती जी के बयान की, जिस पर उन्होंने कहा है कि सपा को हराने के लिए भाजपा को भी सपोर्ट कर सकती है बसपा। सर, किस तरह से इस बयान को देखते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मायावती जी का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, ये साफ है, क्योंकि अब सारी की सारी लड़ाई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ऊपर नीचे होती रहेगी। मायावती जी पहले भी 2 बार चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बन चुकी हैं, वो उन्हें धोखा दे चुकी हैं, और इसी बदौलत आज की तारीख में पिछले कई सालों से, चाहे वो ताज कॉरिडोर का मामला हो, चाहे अलग मामले हों, वो मायावती जी की जो हालात हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने गिरेबान उनका पकड़ रखा है, राजनीतिक गिरेबान। उस राजनीतिक गिरेबान को जिस तरीके से पकड़ा हुआ है तो वो हिल नहीं पा रही हैं। इसी बदौलत आप सब जानते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है। मैं ये नहीं कहता कि वो उनकी बी टीम है, बी टीम तो वो होती जो साथ मिलकर काम करती हैं, ये उनकी फंसी हुई टीम है, क्योंकि इनके पास कोई इलाज नहीं, ज़रा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होंगी तो जयललिता वाला हाथ हुआ, उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये उस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि इनके ऊपर पैसे का, ज़मीनों का सब आरोप लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को ये जिस तरीके से झकझोरती हैं, ये एक दूसरी साइड है कॉइन की, इससे समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि एक ज़माने में समाजवादी पार्टी ही थी जिसमें से टूट के बसपा बनी थी, यानी मायावती अलग गई थी, क्योंकि कांशीराम और मुलायम सिंह इत्यादि ये तो एक ही पार्टी में हुआ करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का आज का जो माहौल है जिसमें उन्होंने मायावती का राजनीतिक गिरेबान पकड़ा हुआ है, तो इसमें यह खिसियानी बिल्ली सिर्फ खंभा ही नोच सकती है। सर, लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जो वोटर्स, खासकर दलित और मुस्लिम, अहम इनकी बैकबोन रहे हैं, और बिहार चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड फ्रंट खड़ा किया गया और उसमें तमाम पार्टियाँ भी उसमें ऐड ऑन है, लेकिन सवाल तो वही उठता है कि अब अगर ये BJP को सपोर्ट करेंगी तो बाकी पार्टियों का क्या मुँह रह जाएगा? इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो है कि बहुजन समाज पार्टी जो है, इसका मुख्यतः जो विस्तार है, जहाँ पे उसकी पकड़ रही है, वो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, पूर्ण उत्तर प्रदेश भी नहीं है। जो आपने मध्य प्रदेश इत्यादि में एक आध सीटें निकलती देखी, वो बसपा की वजह से नहीं, खुद प्रत्याशियों की वजह से निकलती हैं। बिहार में इनका कोई स्कोप नहीं है। बिहार में अगर मायावती का स्कोप निकलने लगे दलित फैक्टर को लेके, तो मांझी साहब तो कभी हारते ही नहीं ज़िंदगी में, इसलिए वो बात नहीं कर सकते हम लोग।
इनका अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना रुख जो है, जो इन्होंने अब ये कहा है कि हम MLC यानी के विधानमंडल, विधानसभा नहीं, विधानमंडल के प्रत्याशी जो होंगे उसमें समाजवादी पार्टी को हराने के लिए ज़रूरत पड़ी तो भाजपा को सपोर्ट कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी इनकी खिसियाहट है। वो भारतीय जनता पार्टी से डर के बैठी हैं, बिहार के इलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको ये कहा है कि तुम बोलो, क्योंकि यही होता है तभी दबके कहती हैं, इसका मतलब ये है कि जो पहला चरण था बिहार के पोलिंग का वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए बहुत दुखदायी रहा है, क्योंकि लगभग 71 सीटों के आसपास में जो पोलिंग हुई है, मेरे ख्याल से यह 15-20 सीटों पे ही इनकी बढ़त रही होगी उसमें, इनके अनुमान से भाजपा की, इसलिए अभी हथकंडे अपना रहे हैं। मायावती जी, हो गया सर, AMIM की बात करते हैं क्योंकि हर किसी का ध्यान वही है, चाहे वो इसी को वोट कटवा बोले या किसी बी टीम बोले या तमाम तरह के उन पर आरोप लगाएं, लेकिन बिहार चुनाव में ओवैसी की जो टीम है उस पर भी नजर है, लेकिन मायावती के साथ उनका थर्ड फ्रंट था, तो अब ये जो पूरा का पूरा दाव पेच है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि बिहार में MIM की तो फिर भी पकड़ है, चाहे नामामूली है, थोड़ी बहुत है, पहले भी वो एक आध सीटें जीत चुके हैं, इसलिए वहाँ तो थोड़ी बहुत नामामूली MIM की पकड़ ज़रूर है, इससे वो आगे ही बढ़ सकते हैं या फिर उतना ही रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि सारा का सारा खेल वहाँ से निकल के आता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि MIM जो है वो BJP की बी टीम है जी। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, जो मैंने कई सालों का मेरा अपना अनुभव है राजनीतिक गलियारों को समझने का, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व आइडियोलॉजी की राजनीति करती है और MIM इस्लामिक राजनीति करती है, आइडेंटिटी की, क्या गलत है? अब क्योंकि उस वजह से हिंदू वोट डिवाइड हो जाता है, कहीं जगह मुस्लिम वोट एक तरफा हो जाता है, जिस बदौलत मान लीजिए कांग्रेस हुई या अन्य जो पार्टियां हैं नॉन BJP उनको वोट नहीं मिलता, तो लोग जो हैं वो असदुद्दीन को मान लेते हैं बी टीम भारतीय जनता पार्टी की। हकीकत मानिए कि जब कभी भी भाई साहब पार्लियामेंट में रहे हैं सिवाय इस दौर के, वो हमेशा कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम नहीं है, वोट कटुआ नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, पहचान की पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति, इस्लाम को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी वही करती है हिंदुत्व के नाम पे, सबको अपना अपना अधिकार है। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद थे निशांत वर्मा सर, जिन्होंने बिहार की राजनीति के साथ साथ मायावती के उस बयान को भी आपके सामने क्लियर फैक्ट्स के साथ रखा, जिसके बारे में गोदी मीडिया बात नहीं करता, लेकिन हाँ, BJP को TRP देनी हो तो हर तरह से ट्रेंड आपको दिखाने की कोशिश करता है। शुक्रिया।